और कोई तुमसे कहे कि स्त्री शंकर भगवान का आराधना कर सकती है, पूजन कर सकती है, तो दूर नहीं जाना। ये जो शिव पुराण है हमारे पास में, गीता प्रेस गोरखपुर की, उसका दर्शन मैं आपको करा देता हूँ। ये शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर की है, तुम भी बाजार से लेकर आना। इसका 73 नंबर का पेज निकाल कर पढ़ना विद्येश्वर संहिता में से। उसमें लिखा हुआ है, जो नारी शंकर भगवान का स्नान कराती है, श्रृंगार करती है, पूजन करती है, वो संसार सागर से मुक्त होकर माँ पार्वती की परम सखी बनकर विराजमान होती है। जो लोग कहते हैं शिवजी पर जल चढ़ा हुआ नहीं पीना चाहिए, उसके लिए मेरे वेद व्यास जी लिख रहे हैं, पेज नंबर 75 विद्येश्वर संहिता, जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कायिक वाचिक और मानसिक 3 प्रकार के पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। ये शिव पुराण। अब शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ नैवेद्य, शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? कोई कहता है महाराज जी स्वान की योनि हो जाएगी, कुत्ता बन जाओगे, कोई कहेगा ये बन जाओगे, कोई कहेगा वो बन जाओगे। अब उसको पढ़िए पेज नंबर 75 शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता। भगवान शिव का नैवेद्य आग्रह है, इस भावना को मन से निकाल दें कि शिव जी का चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाया जाता। ये भावना मन से निकालें। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर हो जाते हैं, खाने की तो बात ही दूसरी है। अब क्या लिखा है अगली लाइन, उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आए हुए शिव नैवेद्य को, जो शंकर का प्रसाद है, शिवजी पे चढ़ा हुआ नैवेद्य है, अगर वो आपके सामने आ जाए उसको सिर झुकाकर प्रसन्नता पूर्वक खा लेना चाहिए। जो शंकर के चढ़े हुए नैवेद्य को ये कह देता है कि थोड़ी देर से खाऊंगा, वो पाप में लिप्त होता चले जाता है, मनुष्य पाप में बंध जाता है। इसलिए शंकर को चढ़ा हुआ नैवेद्य, भगवान का बस केवल नैवेद्य का दर्शन ही हो जाए तो जीव कोटि कोटि पुण्य प्राप्त कर लेता है, वो शिव तत्व। ये शिव महापुराण है। अब आज के जमाने में नए नए पंथ बन गए, नए नए पंथ चल गए, तो उन्होंने अपने को उठाने के लिए शंकर जी की निंदा कर दी, शिव जी के मंदिर मत जाना, शंकर का प्रसाद मत लेना, शिव जी को देखना मत, शंकर के द्वार मत जाना। हम किसी पंथ की पुस्तक की बात नहीं करते, क्योंकि सबने अपने अपने पंथ बनाए तो सबने अपने अपने भाव से लिखा। हम वेद व्यास जी ने जो विद्येश्वर संहिता में लिखा उस शिव महापुराण का वर्णन करते हैं, जो आपने 75 नंबर पेज गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण पुस्तक का आनंद करते हुए इस पुराण में पढ़ा, विद्येश्वर संहिता। तुम शंकर जी की आराधना करने लगोगे, भगवान का भजन करने लगोगे, भक्ति में डूबने लगोगे, डूबने लगोगे, डूबने लगोगे, डूबने लगोगे, तो लोग तुम्हें भ्रम उत्पन्न करेंगे, शंकर मंदिर मत जाना, शिव जी का प्रसाद मत लेना, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पीना, लोग तुम्हें भ्रमित करेंगे। उस भ्रम से निकालती है मेरी शिव महापुराण की कथा। आप एक एक शब्द का स्मरण करो। मेरा निवेदन है, जिसने शिव को जान लिया उसने संपूर्ण जीवन भगवान के सुपरत अपना कर दिया और अपने जीवन को सार्थक बना लिया।